नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और योग साक्षी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर की, निम्न रक्तचाप। ये जो परेशानी होती है ये हमारी जब डाइट में पूरे न्यूट्रिशन नहीं होते हैं उस वजह से होती है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होने लगता है तो होती है, हार्ट रेट हमारा कम हो जाता है जिसके कारण लो ब्लड प्रेशर की बीमारी शुरू हो जाती है, बॉडी में लग जाती है। इसके लिए आज मैं आपको कुछ योगिक प्राणायाम बताऊँगी जो कि आप रेगुलर बेसिस पे तो कर ही सकते हैं, और साथ के साथ जब आपका ब्लड प्रेशर लो हो उस टाइम पे भी आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम योगिक ब्रीदिंग से। कोई भी योगासना प्राणायाम अगर आप करना चाह रहे हैं और उसकी शुरुआत करनी है तो ज़रूरी है कि आपकी बॉडी एक काम स्टेट में हो, जिसके लिए डीप इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। लंबी लंबी सांस हम भरेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सुखासन में आप बैठ जाएंगे या पद्मासन में, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी और ज्ञान मुद्रा में आपके हाथ रहेंगे और शुरुआत करेंगे। साउंडलेस ब्रीदिंग होगी ये, इसका अभ्यास 5 से 7 बार ही आप करेंगे। पांच से सात बारी जब हो जाए तो उसके बाद हम अगले प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। ये प्राणायाम लो बीपी में काफ़ी कारगर साबित हुआ है। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आप रोज़ सुबह 2 मिनट कर सकते हैं, खासकर जिनको लो बीपी की दिक्कत है। और जब आपको लो बीपी, जब आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर लो भी हो रहा हो, अगर आप उस टाइम पर भी ये प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, 2 मिनट आप करेंगे और फिर अगर आप दोबारा अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है। आइए शुरू करते हैं। पद्मासन या सुखासन में आप बैठ जाएंगे, स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी, हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में होंगे। कपाल भाति से काफ़ी सिमिलर है ये प्राणायाम, लेकिन कपाल भाति में जब हम इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो सांस को झटके से बाहर छोड़ते हैं। भस्त्रिका में आपको सांस को ज़ोर से अंदर भी लेना है और बाहर भी छोड़ना है। धीरे धीरे करके इस प्राणायाम की हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। आइए शुरू करते हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास आप 2 मिनट करेंगे और अगर आप 2 मिनट लगातार नहीं कर पा रहे हैं तो 10-10 सेकेंड या 20-20 सेकेंड के अंतराल पे भी कर सकते हैं। कोशिश करिए गर्मियों के समय में इस प्राणायाम का अभ्यास आप कम करें। जब आपको लो बीपी की परेशानी हो गर्मियों के मौसम में, तभी इसका अभ्यास करें। दूसरा जो प्राणायाम जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं वो है सूर्य भेदी प्राणायाम। इसमें आप अपने जो सीधे हाथ की नॉस्ट्रल है उससे आप इनहेल करते हैं और लेफ्ट साइड के नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपनी ये जो दो उंगलियां हैं, जो मध्य उंगली है और ये, इसको जोड़ के आप जो लेफ्ट साइड का नॉस्ट्रिल है आपका उसे आप रोकेंगे, राइट साइड से आप इनहेल करेंगे, होल्ड, एक्सहेल, दोबारा करेंगे राइट साइड से ही, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इस प्राणायाम का अभ्यास आप 5 मिनट तक कर सकते हैं। इस प्राणायाम का नाम सूर्य भेदी प्राणायाम इसीलिए है क्योंकि हमारे जो राइट साइड पे सीधे तरफ जो है सूर्य नाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है, और लेफ्ट साइड पे चंद्र नाड़ियाँ होती हैं। जब हमें लो बीपी की परेशानी होती है तो हम सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और हाई बीपी में चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ये आप रोज़ सुबह सुबह 5 मिनट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कपाल भाति का भी अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें आपको सुखासन में ही बैठे रहें या पद्मासन में, स्पाइन आपका स्ट्रेट रहेगा और झटके से हम सांस छोड़ते हैं। इसमें इंटेंसिटी हम टाइम के साथ बढ़ाएंगे। शुरुआत करते हैं, आंख बंद कर लेंगे, इनहेल एंड देन सिर्फ जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तभी हम जोर लगा रहे हैं, इनहेल अपने आप हो रहा है इसमें।
दो मिनट ये आप प्राणायाम करेंगे। अब मैं आपको एक और क्रिया बताऊंगी जो है क्लैपिंग। इससे हमारे हाथ में जितने भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, एक्यूपंचर का काम भी करती है ये, और लो ब्लड प्रेशर में काफी कारगर साबित हुआ है। इसको आप जब तक आपकी इच्छा करे आप कर सकते हैं, 2 मिनट भी, 30 सेकेंड भी, 5 मिनट भी। लो बीपी के लिए आप ये सारे प्राणायाम और क्लैपिंग का अभ्यास ज़रूर से कीजिए। एक और आसना है सूर्य नमस्कार, इसका अभ्यास आप ज़रूर से कीजिए, वो आपको काफ़ी लाभकारी होगा लो ब्लड प्रेशर के लिए। और भी किसी बीमारी या योगा आसना के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन कीजिए। फिर होगी मुलाकात, ख्याल रखिए।